हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस पार्ट में हमने फैक्ट्री टॉक व्यू स्काडा के अंदर प्रोजेक्ट को कैसे रीस्टोर करते हैं उसको सीखा था। जो फर्स्ट तरीके से हमने बैकअप लिया था उसका बैकअप रीस्टोर किया था। इस क्लास में हम जो डॉट एपीए फाइल का बैकअप होता है उसको कैसे रीस्टोर करेंगे, आज बैकअप रीस्टोर करना सीखेंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने बैकअप लिया था उसी प्रकार से एप्लीकेशन मैनेजर में जाएंगे और इसमें ऐसी स्टेशन सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर नेक्स्ट करने के बाद, पिछली बार जब हमने बैकअप लिया था तो बैकअप एप्लीकेशन पर सेलेक्ट किया था, इस बार हम बैकअप रीस्टोर कर रहे हैं तो रीस्टोर एप्लीकेशन पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जो भी फाइल, जिस फाइल को हमें रिस्टोर करना है उसका पाथ दे देंगे। पाथ देने के लिए हम जाएंगे डेस्कटॉप में और यहाँ पर इस पाथ को सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और रिस्टोर कर देंगे। तो ये कह रहा है इस नाम का पहले से प्रोजेक्ट बना है तो हम इसमें दूसरा नाम देंगे। मान लीजिए इसको हम दे देते हैं प्रोजेक्ट अंडरस्कोर टू। अब ये रीस्टोर कर लेगा, अब ये रीस्टोर कर लेगा। ये इसने यहाँ पर मैसेज दिया है प्लीज वेट। ये कुछ ज़्यादा टाइम ले सकता है, एज पर जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम कम और ज़्यादा लेता है। तो ये इसने ले लिया। अब हम आपको दिखा देते हैं कि उसने प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट टू के नाम से हमने रिस्टोर किया था। तो हम जाएंगे एक बार फैक्ट्री टॉप व्यू स्काडा के अंदर और यहाँ पर हम नेक्स्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट टू नाम का प्रोजेक्ट यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया है। ये हम ओपन करके देख लेंगे, वो सेम ही प्रोजेक्ट यहाँ पर रीस्टोर हो करके आ गया है। तो इस प्रकार से हम फैक्ट्री टॉक व्यू के अंदर जो भी स्काडा का प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको हम रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से इसका बैकअप बना हुआ है तो आप बैकअप को रीस्टोर करके अपने स्काडा को बहुत कम समय के अंदर रेडी करके दूसरे पीसी में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने इस पार्ट में जाना कि किस तरह से एपीए फाइल से स्काडा के बैकअप को रीस्टोर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।